Hey guys, how are you doing? आज हम क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 6 करने जा रहे हैं, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ही इजी चैप्टर है और एज यूजुअल एकदम सिंपल फॉर्मेट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी कंट्री में विलेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज ऑलमोस्ट 6 लाख से भी ज्यादा विलेजेस है इंडिया में, और इन सबको एक रेगुलर बेसिस पे लाइफ कंटिन्यू करने के लिए प्रॉपर मेंटेनेंस और फैसिलिटीज की जरूरत है, जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शंस, लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स हो रहे हैं तो उसको हैंडल करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, एक्सेट्रा। तो इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के बारे में पढ़ेंगे जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स। दोनों ही बहुत ही एसेंशियल सर्विसेज हैं और इनकी इंपॉर्टेंस को एक शॉर्ट स्टोरी के थ्रू चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो हम स्टोरी के की पॉइंट समझ लेते हैं जिससे हम इन दोनों रोल्स की इंपॉर्टेंस समझ सके। स्टोरी के हाइलाइट्स ये हैं कि दो फार्मर्स हैं, मोहन और रघु। दोनों का जो लैंड है, फार्मिंग लैंड है, वो एक दूसरे के बगल में है और उनको एक छोटी सी कच्ची बाउंड्री से सेपरेट किया गया है जिसको कहा जाता है बंस। रघु जो था, ही बिलोंग टू अ रिच फैमिली ऑफ द विलेज। उसकी फैमिली के पास बहुत सारे फील्ड्स थे और उसके जो अंकल है वो विलेज के सरपंच थे। ठीक है, एक दिन सुबह मोहन ने नोटिस किया कि रघु ने जो बाउंड्री है वो शिफ्ट कर दी है। मतलब इस तरह से शिफ्ट करी है कि उसने मोहन का भी कुछ लैंड अपने लैंड में मिला लिया और मोहन का लैंड छोटा कर दिया। जब मोहन ने रघु से इस बारे में पूछा तो ऑब्वियसली दोनों में लड़ाई हो गई। रघु के सर्वेंट्स ने मोहन को खूब मारा, फिर जो नेबर्स थे उन्होंने आके मोहन को बचाया। देन द नेबर्स रिकमेंडेड कि वो पुलिस स्टेशन जाके वहां पे एक रिटन कंप्लेंट लिखवाते। अब पुलिस स्टेशन क्यों जा रहे हैं? बिकॉज द पुलिस स्टेशन इज द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड हैंडलिंग डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंप्लेंट्स। किसी को भी इस टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो पुलिस स्टेशन ही जाते हैं, बिकॉज दैट इज द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। फिर एक नेबर ने पूछा कि लोकल पुलिस स्टेशन क्यों जा रहे हैं? मेन पुलिस स्टेशन जाते हैं, ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, बड़ा पुलिस स्टेशन होगा, बड़े ऑफिसर होंगे, काम ज्यादा अच्छे से होगा। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। एवरी पुलिस स्टेशन हैज एन एरिया जो उनके कंट्रोल में आता है। उस एरिया के जितने भी लोग हैं, अगर उनको कोई भी केस रिपोर्ट करना है या पुलिस को कुछ भी इन्फॉर्म करना है उस एरिया की हैपनिंग्स के बारे में, तो उनको उसी पुलिस स्टेशन में जाना होगा। अ केस कैन बी रजिस्टर्ड ओनली इन दैट पुलिस स्टेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एरिया। उस पुलिस स्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वहां पे इंक्वायर करें, इन्वेस्टिगेट करें और उस एरिया में जो भी केसेस हो रहे हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लें। अब ये लोग स्टेशन पहुंच गए। जब स्टेशन पहुंचे तो वहां पे द पर्सन इन चार्ज वाज कॉल्ड व्हाट? स्टेशन हाउस ऑफिसर, SHO। ठीक है, अब जरूरी नहीं है भाई कि आप कोई काम कराने जाओ और वो एक बार में हो जाए। तो जब ये लोग कंप्लेन रजिस्टर कराने गए तो वहां पे इनको भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। जैसे कि पहले तो SHO ने मना कर दिया कि हम इतने ट्रिवियल मैटर के लिए, इतने छोटे से मैटर के लिए कंप्लेन फाइल नहीं करेंगे। मोहन ने अपनी इंजरीज भी दिखाई उनको लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। फिर नेबर्स ने इंसिस्ट किया कि प्लीज केस रजिस्टर कर लीजिए, हम विटनेस हैं कि इसको सच में बहुत मारा था। तब जाके ऑफिसर ने केस नोट डाउन किया। फिर उन्होंने कहा कि वो अगले दिन एक कांस्टेबल को भेजेंगे मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम किसकी है? प्रॉब्लम तो लैंड की है ना, कि कौन सा लैंड कितना किसका था और रघु ने बाउंड्री शिफ्ट करी या नहीं करी, है ना? तो वी नीड समवन जिसके पास लैंड रिकॉर्ड्स हो, जो ये बता पाए कि लैंड ओरिजिनली किसका कितना था। तो ऐसे लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं क्या विच विल शो कि कौन सा लैंड किसका है विलेज में? बिल्कुल होते हैं। लैंड को मेजर करना और लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। पटवारी को अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि लेखपाल, कानूनगो, कर्मचारी, विलेज ऑफिसर, एक्सेट्रा। लेकिन हम चैप्टर में इनको पटवारी बोलेंगे। अब पटवारी जी लैंड कैसे मेजर करते हैं? इनके यूजुअली अपने अपने तरीके होते हैं एग्रीकल्चर लैंड को मेजर करने के लिए, और यूनिक तरीके होते हैं। मतलब कुछ जगहों में हो सकता है कि एक लंबी सी चेन से भी वो एक एग्रीकल्चरल लैंड को मेजर करे। तो जुगाड़ का जमाना है, वो अपने हिसाब से मेजर कर लेते हैं और लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लेते हैं। तो फिर इस हिसाब से स्टोरी में पटवारी जी ने मोहन और रघु दोनों का लैंड मेजर किया हुआ होगा, उनके पास लैंड रिकॉर्ड्स भी होंगे। तो अभी इस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए उनको दोनों के लैंड्स फिर से मेजर करने होंगे और अपने मैप के मेजरमेंट से उसको मैच करना पड़ेगा। अगर वो मैच नहीं होगा, इसका मतलब पक्की बात है कि रघु ने बाउंड्री शिफ्ट करी। तो हमें पटवारी जी का एक रोल तो समझ में आ गया कि वो लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं और लैंड को मेजर करते हैं। उनके और क्या काम थे? हर पटवारी जी के अंडर में कुछ विलेजेस आते हैं, अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, और इन सारे विलेजेस का लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करना और अपडेट करना इनकी जिम्मेदारी होती है। पर ये एक और काम करते हैं, ही ऑल्सो ऑर्गेनाइजेस द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। फार्मर्स जो भी लैंड रेवेन्यू पे करते हैं उसको कलेक्ट कैसे करना है, उसका ऑर्गेनाइजेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पटवारी। एंड क्योंकि वो इतने अपडेट्स रखते हैं और इतने लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो वो गवर्नमेंट को ये भी बताते हैं कि कौन से एरिया में कौन से क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं। इससे गवर्नमेंट को आइडिया रहता है कि हाँ भाई कौन से एरिया में कौन से क्रॉप्स उग रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर
प्राइजेस क्या होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वीट या राइस या दाल बहुत कम हो जाएगी, उसका प्रोडक्शन बहुत कम होगा। सो इस टाइप से गवर्नमेंट स्टेज इन्फॉर्म्ड अबाउट दीज थिंग्स। लेकिन पटवारी इन्फॉर्म कैसे करते हैं गवर्नमेंट को कि कौन से क्रॉप्स मेंटेन हो रहे हैं? हाउ डज ही नो? दिस इज डन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स दैट ही मेंटेन्स। और इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पटवारी जो है वो अपने रिकॉर्ड्स को रेगुलरली अपडेट करें, और जब भी विलेज में कोई चेंजेस हो रहे हैं सो पटवारी जी के रिकॉर्ड्स में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अब हमें मालूम पड़ गया कि पटवारी जी तो भाई अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनको सुपरवाइज कौन कर रहा है? कैसे मालूम पड़ेगा कि वो अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं? सीनियर पीपल इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारी। और ये वो कैसे कर पाते हैं? अगर कोई फार्मर अपने क्रॉप्स चेंज करता है, मतलब पहले कुछ और उगा रहे थे और अब कुछ और उगा रहे हैं, या अगर कोई भी अपने फील्ड में एक वेल भी डिग करता है, तो इन सब चीजों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, और इसीलिए उनको मालूम पड़ता है कि पटवारी जी अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन ये सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल है, हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेंगे। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स, ये तो आपको मालूम था। फिर हर स्टेट को हम डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये भी आपको मालूम था। लेकिन लैंड से रिलेटेड मैटर्स को मैनेज करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट को और ज्यादा डिवाइड किया जाता है। इन सब डिविजन्स का अलग अलग स्टेट्स में फिर से अलग अलग नाम होता है, कहीं पे इसको तहसील कहते हैं, कहीं पे तालुका कहते हैं, कहीं पे कुछ और कहते हैं। तो आपको बेसिक आइडिया समझ में आ गया। तो अब एक और इम्पोर्टेंट फ्लो चार्ट समझ लेते हैं, कौन किसको सुपरवाइज करता है। सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वहां पे हो गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में बहुत सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स आते हैं, ये तहसील या तालुका लेवल पे काम करते हैं, और इनको तहसीलदार भी कहा जाता है। तहसीलदार्स की भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और रेवेन्यू ऑफिसर्स या तहसीलदार्स के अंडर में बहुत सारे पटवारीज आते हैं। पटवारीज जो है ये विलेज लेवल पे काम करते हैं, और इनके अंडर में बहुत सारे विलेजेस आते हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो अब ये जान लेते हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर या तहसीलदार की क्या क्या ड्यूटीज होती है। लैंड से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो इनको सुनने होते हैं और इनको सॉल्व करने होते हैं। दे ऑल्सो हैव टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारीज, ये तो अभी हमने डिस्कस किया था। दे ऑल्सो इंश्योर दैट ऑल रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड प्रॉपरली, और लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट हो रहा है। और अगर किसी फार्मर को अपने लैंड के रिकॉर्ड्स चाहिए या फिर किसी स्टूडेंट को कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, तो इस टाइप के जो भी काम होते हैं वो भी तहसीलदार ही करते हैं। तो अभी हमने कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स की बात करी, जैसे कि अभी आया था सिचुएशन, मोहन और रघु को समझना था कि भाई उनका लैंड कितना बड़ा है। सो इज इट इजी टू ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड्स? आसान होता है क्या? एक्चुअली फार्मर्स को काफी बार अपने लैंड के रिकॉर्ड्स और मैप की जरूरत पड़ती है, और इस इन्फॉर्मेशन को पाने का उनके पास हक भी है। दे हैव द राइट टू ऑब्टेन दिस इन्फॉर्मेशन। इसके लिए उनको एक छोटी सी फीस देनी होगी और उनको ये रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। ऐसा सिस्टम है, लेकिन रियलिटी में अक्सर ऐसी इन्फॉर्मेशन इज नॉट वेरी इजीली अवेलेबल। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स होते हैं, उनको काफी बार काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है अपने इस राइट को एक्सेस करने के लिए। लेकिन इसका सलूशन क्या है फिर? नाउ थिंग्स आर बीइंग चेंज्ड, क्योंकि अब रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज किया जा रहा है और रिकॉर्ड्स इजिली अवेलेबल हो पाए और रेगुलरली उनको हम अपडेट कर पाए। इसके लिए अब उनको पंचायत ऑफिस में भी रखना स्टार्ट कर दिया है, कोई भी फार्मर उसको इजिली एक्सेस कर सकता है और उनको रेगुलरली अपडेट किया जा सकता है। नाउ बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट लैंड, तो एक और चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। एक नया लॉ बना था जिसका नाम था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। जैसे हर स्टेट के कुछ कुछ लॉज डिफर करते हैं, तो पहले क्या होता था, कुछ स्टेट्स में ऐसा लॉ था कि विमेन जो थी उनको एग्रीकल्चरल लैंड में हिस्सा नहीं मिलता था, प्रॉपर्टी को इक्वली सिर्फ सन्स में डिवाइड किया जाता था, डॉटर्स को नहीं दिया जाता था। लेकिन रिसेंटली 2005 में दिस लॉ वॉज चेंज, अब सन्स, डॉटर्स, मदर्स सबको लैंड में इक्वल शेयर मिल सकता है, और ये लॉ हर स्टेट के लिए सेम है। इट अप्लाइज टू ऑल द स्टेट्स एंड ऑल द यूनियन टेरिटरीज। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ लिया? वी सॉ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द गवर्नमेंट स्पेशली फॉर द रूरल एरियाज। तो हमने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होता है, लैंड रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन होते हैं, और इन सारे काम को सुपरवाइज कैसे किया जाता है। और साथ ही साथ हमें ये भी आइडिया लग गया कि लोग इन सर्विसेज को कैसे यूज करते हैं और इस प्रोसेस में उनको कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। लेकिन कंक्लूजन में वी वुड हैव टू से ओनली वन थिंग, कि दीज सर्विसेज शुड फंक्शन and should be used according to the laws framed for them. जो ये services provide कर रहे हैं उनको भी, और जो ये services use कर रहे हैं उनको भी, दोनों को laws follow करने चाहिए। और इसी के साथ हमने ये chapter complete कर लिया है। I hope आपको ये chapter समझ में आ गया होगा। अगर lecture पसंद आया है guys, so don't forget to subscribe, like and comment। हमें बताइए कि आपको ये lecture कैसा लगा। I'll see you guys next time with the next chapter। तब तक के लिए stay safe and study well। Bye bye।